के अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उनका साइज हम छोटा कोर को बढ़ा दे तो ईटी का पावर एक बार। सो गाइस, जब भी आप किसी प्रोसेसर के बारे में बात करते होंगे तो एक टर्म के बारे में जरूर आपने बात किया ही होगा, जो कि 7 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, ये सब क्या होता है और इसका क्या एडवांटेज है या फिर क्या बेनिफिट्स है, इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक प्रोसेसर में नैनोमीटर कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसके लिए यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजय यादव, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए इस डाउट को आउट करते हैं। सो गाइस, मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ कि प्रोसेसर के अंदर कोर होते हैं और कोर के अंदर आपका थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग या फिर हाइपर थ्रेडिंग का कंसेप्ट होता है। तो इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो इस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा हुआ तो इसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पर दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हो। अब समझते हैं कि किसी प्रोसेसर का नैनोमीटर क्या होता है। तो देखिए, किसी प्रोसेसर को बनाने के लिए उसमें बहुत सारे कोर होते हैं और कोर को बनाने के लिए मिलियंस एंड बिलियंस ट्रांजिस्टर का यूज होता है। तो बेसिकली जो कोर के अंदर ट्रांजिस्टर इनबिल्ड होते हैं उसी का साइज होता है आपका नैनोमीटर, यानी मिलियंस एंड बिलियन ट्रांजिस्टरों का साइज होता है 5 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, 9 नैनोमीटर, अब तो 3 नैनोमीटर आने वाला है। या फिर बोलो तो ट्रांजिस्टर के अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं उन दोनों कंपोनेंट के बीच की दूरी को हम नैनोमीटर में मेजरमेंट करते हैं। अब आप समझोगे कि जितना ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होता है उतना ही आपके लिए कैसे बेनिफिट्स या फिर एडवांटेज हो सकता है। अब हर कोई चाहता है कि मेरा डिवाइस काफ़ी पतली हो और इसको हम कहीं भी लेकर जा सके, चाहे वो आपका मोबाइल हो या फिर चाहे आपका लैपटॉप हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल में काफ़ी छोटा से छोटा पार्ट्स को इंक्लूड किया जाए या उसमें इनबिल्ड किया जाए। तो इसीलिए किसी प्रोसेसर का हमें पावर को बढ़ाना है तो उसके एक्चुअल साइज को हम नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उनका साइज हम छोटा कर देते हैं। साइज छोटा होने से एक कोर के अंदर अधिक ट्रांजिस्टर को लगा पाएंगे और अधिक ट्रांजिस्टर होगा तो हमारा सीपीयू काफ़ी फास्ट होगा। ट्रांजिस्टर को आप ऐसे समझ सकते हो किसी कंपनी का ये वर्कर है, यानी जितना अधिक वर्कर होगा उतना काम जल्दी होगा और स्मूथ होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आपको दो कंप्यूटर दे दिया जाए, एक तो सुपर कंप्यूटर दूसरा नॉर्मल कंप्यूटर, अब आप बताओ कि सबसे महंगा या फिर सबसे सस्ता प्रोसेसर किसका हो सकता है, सुपर कंप्यूटर का या फिर नॉर्मल कंप्यूटर का? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। अगर किसी प्रोसेसर का ट्रांजिस्टर काफ़ी छोटा है तो उसमें हम अधिक से अधिक कोर को लगा सकते हैं। यदि हम किसी प्रोसेसर में कोर को बढ़ा दें तो ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी पहले के मुकाबले में, इसलिए हमें काफ़ी छोटा ट्रांजिस्टर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इससे एक और बेनिफिट हो सकता है कि आपका कंप्यूटर या फिर आपका लैपटॉप काफ़ी कम पावर को कंज्यूम करे ट्रांजिस्टर को छोटा होने से। आपने एक बात सुना ही होगा कि जब पहले सुपर कंप्यूटर आया हुआ था तो पूरा सिटी का पावर एक बार में वो कंज्यूम करता था, यानी इनडायरेक्टली बोलूँ तो उसमें काफ़ी बड़ा से बड़ा ट्रांजिस्टर का यूज हुआ होगा, इसीलिए पूरा सिटी का पावर एक ही बार में कंज्यूम कर लेता होगा। तो ये था कहानी नैनोमीटर के बारे में। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव देना बिल्कुल मत भूलें। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।